नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम एक टिक्की जोड़ करके थालपोश बनाना बताएंगे। तो पहले उसके लिए हम फ्लावर बनाएंगे। तो चलिए गाँठे ले लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, हम आठ चैन ले लिए हैं। इसे राउंड कर लेंगे और फिर तीन चैन लेंगे, एक दो तीन। तीन चैन लेने के बाद हमें डबल क्रोशिया से इसको भरना है, तो हमें इसमें पूरा 12 डबल क्रोशिया रहना चाहिए। इसमें हमारा पूरा टोटल ऐसे ही 12 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए, हमने ये 12 डबल क्रोशिया इसमें बना लिया। अब इसे हम ऐसे जॉइंट कर देंगे, ऐसे हमने जॉइंट कर लिया। फिर तीन चैन लेंगे, एक दो और एक तीन। तीन चैन लेने के बाद हम इसे ऐसे, ये सीधा में ऐसे दिखेगा कटोरी के समान। अब इसको पीछे हम पलट देंगे क्योंकि हमें पीछे से बनाना है। तो ये हम पीछे ऐसे क्रोशिया डाल के और इसको हम यहाँ बांध लेते हैं। ऐसे इसको बांध लिए, फिर आप हर दो क्रोशिया के बीच में, ये पहले हम चार चैन लेंगे और ये दो डबल क्रोशिया जो हमने बनाया है वो छोड़ के हमें फिर बीच में हमें इसको बांधना है। फिर चार चैन लेंगे, एक दो तीन चार, फिर दो क्रोशिया छोड़ करके हमें फिर बांधना है इसको ऐसे। फिर एक दो तीन चार, ऐसे ही पूरा राउंड करेंगे। दो दो क्रोशिया छोड़ करके हम इसमें पीछे से ऐसे डाल के बांध लेंगे। देखिए, हमने ये 6 बार बांध लिया है। इसमें हमारी 6 पत्तियां बनेगी, तो हम 6 बार बांध चुके हैं इसमें। अब इसी में हमें पत्ती बनाना है, तो हम पहले सिंगल क्रोशिया लेंगे ऐसे, फिर उसके बाद डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो डबल क्रोशिया हमें बनाना है इसमें ऐसे। दो डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। दो बार फंदा लिए, फिर एक दो तीन, दो दो डबल क्रोशिया, दो ट्रिपल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया, ऐसे ही बनाना है। देखिए, यहाँ ट्रिपल दो क्रोशिया हो गया और फिर उसके बाद फिर यहाँ डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। दो डबल क्रोशिया ऐसे, देखिए दो डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर एक सिंगल क्रोशिया यहाँ बनाना है। देखिए ये, फिर हम दूसरे वाले में फिर जा रहे हैं, तो इसमें भी फिर पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर उसके बाद से डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया बनाना है, फिर उसके बाद से दो ट्रिपल क्रोशिया, देखिए अब ये ट्रिपल क्रोशिया यहाँ बनेगा, एक दो, यहाँ हमें ये ऐसे ही हमारा बनेगा। फिर डबल क्रोशिया यहाँ बनेगा दो, फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया बनेगा, ऐसे ही पूरा राउंड हमारा बनेगा। चलिए पूरा राउंड बनाकर दिखाते हैं। देखिए, इसमें हमने पूरी 6 पत्तियाँ बना ली है, एक दो तीन चार पाँच 6 हो गया हमारा। ये 6 पत्तियाँ तैयार हैं। अब इसमें हम इसे यहाँ बांध लेते हैं। यहाँ बांधने के बाद हम फिर इसको पीछे पलटेंगे और दो चैन ले करके जो हमारा ये खाली गैप है, ये जो गैप हमारा दिख रहा है, वो ऐसे पीछे पलट के इसी गैप में हमें अब डाल करके फिर चैन बनाना है। तो देखिए,
इस गैप में हमने ऐसे ऐसे क्रोशिया को ऐसे डाल के और ऐसे हमें निकालना है, और फिर यहाँ पर हम बांध लेंगे। पहले दो चैन लिए हैं तो इसको हम बांध लेते हैं, उसके बाद हम देखिए यहाँ हमने बांध लिया। अब इसमें हम चार चैन लेंगे, एक दो तीन, सॉरी हमें पांच चैन लेना है। यहाँ ये पांच चैन हो गया, तो फिर यहाँ पर हमने बांधा है। अब फिर दूसरे वाले गैप में हम यहाँ जो यहाँ जाली दिख रहा है इसमें हम फिर बांधेंगे ऐसे। देखिए ये ऐसे हमारा बनेगा, फिर पांच चैन लेंगे हम, एक दो तीन चार पांच। पांच चैन लेने के बाद फिर हमें ऐसे ही दूसरे वाले में, तीसरे वाले में हम ये ऐसे बांधेंगे, ऐसे ही पूरा छह जगह हमें बांधना है इसको ऐसे। देखिए हमारा ऐसे ही ये तैयार होगा। देखिए हमने ये पूरा छह ये तैयार कर लिया है ये ऐसे। अब इसके बाद दिखाते हैं कि आपको क्या करना है। ये फ्लावर बनाया है, अब इसमें हमें इस कलर से अब वो टिक्की बनाना है। तो पहले हम गाँठे ले लिए हैं, अब गाँठ लेने के बाद से हमें इसमें ऐसे जॉइंट करना है ऐसे। जो ये चैन है, हमने जो चैन लिया है इसी में हमें फिर अब बनाना है। पहले तीन चैन लेंगे, उसके बाद से इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसमें हमारा एक चैन में ये जो है इसमें हमारा छह डबल क्रोशिया रहना चाहिए। तो पहले का तीन चैन लिए हैं वो मिला करके और पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें, तो हमारा छह डबल क्रोशिया हो जाएगा। देखिए तीन तीन छह हो गया। अब उसके बाद फिर चार चैन लेंगे, एक दो तीन चार। फिर अब दूसरे वाले चैन में हम यहाँ फिर वैसे ही छह डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे ही। पूरा राउंड हमें बनाना है, करके दिखा देते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, छः डबल क्रोशिया हमारा ये बना है। और यहाँ बीच में हम चार चैन लिए हैं, ऐसे ही पूरा राउंड हमें बनाना है। देखिए ये पहला राउंड हम पूरा कर लिए हैं, अब यहाँ फिर हम चार चैन ले लिए हैं और यहाँ पर हम फिर ये एक छोड़ करके हमें यहाँ पर बीच में बांध देना है। ये हर लाइन में हम एक इधर से घटाएंगे और इधर एक बढ़ाएंगे। फिर तीन चैन लेंगे, एक दो तीन, और फिर उसके बाद से इसके ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमारा ये तीन चैन ले करके हमारा यहाँ एक दो तीन चार पाँच हुआ है, और नीचे हमने ये छह डबल क्रोशिया बनाया है। तो अब इसके ऊपर हमें सात डबल क्रोशिया बनाना है, और इधर से हमारा एक घटते जाएगा तो यहाँ पर हम दो डबल क्रोशिया इस खाली चैन में बना देंगे। देखिए अब गिन करके दिखाते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात हो गया। फिर चार चैन लेंगे, एक दो तीन चार, और फिर वैसे ही दूसरे वाले में भी हम बनाएंगे। ये वाला ये किनारे वाला हमें छोड़ना है, तो यहाँ पर हम बीच में यहाँ डाल रहे हैं दूसरे वाले पे,
और यहाँ डबल क्रोशिया बना रहे हैं और इसके ऊपर ही हमें बनाते जाना है ऐसे ही। हमारा नीचे वाला 6 है तो ऊपर वाला 7 रहना चाहिए। ऐसे ही ये हमारा क्रम बढ़ते जाएगा, 6 के बाद 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7, ये हमारा 7 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पर हम फिर 4 चैन लेंगे, ऐसे ही पूरा राउंड हमें करना है। देखिए ये दूसरा राउंड भी हमारा पूरा हो गया, यहाँ हम 4 चैन ले लिए। अब इस चैन में हम यहाँ पर जॉइंट कर देते हैं और फिर 3 चैन लेंगे, 1 2 3। 3 चैन लेने के बाद फिर हम पहले राउंड में मेरा 6 था, ये 6 डबल क्रोशिया, फिर उसके ऊपर 7 हुआ, अब इसके ऊपर हमारा 8 होगा। तो ये हम देखिए, ये हम तीसरा राउंड भी यहाँ, पहले हमने 6 बनाया, 6 डबल क्रोशिया, फिर दूसरे में हमारा 7 बना, तीसरे में यहाँ देखिए ये चैन है, ये चैन ले करके हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। और फिर ऐसे ही हमें ये भी राउंड पूरा करना है, 4 चैन देंगे और फिर वैसे ही इधर का हमारा 1 घटेगा और इधर हमारा बढ़ेगा। तो ऐसे ही हमें बनाते जाना है, ऐसे ही हम ये 5 लाइन हम बनाएंगे। पहले ये 1 2 3 लाइन हमने बना लिया है, अब इसके ऊपर फिर चौथा लाइन में हमारा ये, यहाँ तीसरे लाइन में हमारा 8 हुआ है, चौथे लाइन में 9 होगा और पांचवे लाइन में हमारा 10 डबल क्रोशिया हो जाएगा। देखिए ये हमने पूरा कर लिया है 5 लाइन, देखिए 1 2 3 4 5। अब यहाँ हम जॉइंट करके कट कर लेंगे, पहले 4 चैन लेंगे और हम यहाँ जॉइंट करेंगे। इसे जॉइंट करके और इसको हम ऐसे कट कर लिए। देखिए हमारा फ्लावर डिजाइन। अब ऐसे ही हमने और भी टिकिया बनाया है, ये सब देखिए। तो अब हम आपको इसे कैसे जोड़ना है, इसको ऐसे रख करके वो बताएंगे। इसमें हमें ऐसे ही ये टिकिया को, तो इसे हम क्रोशिया से ही जोड़ेंगे। ऐसे आप चाहें तो इसमें जैसे हमने इसे कट कर लिया वैसे भी ये टिकिया बना करके कट करके और इसको आप ऐसे पकड़ के ऐसे दोनों को और आमने सामने एकदम रखना है, जाली के सामने जाली रहना चाहिए। ये देखिए ये जाली के सामने हमारा जाली रहेगा और ऐसे ही ये हमारा टिकिया ऐसे जुड़ेगा। पीछे की तरफ से हम सिलेंगे इसको इधर से, तो हम क्रोशिया से ही इसको जोड़ना आपको बता रहे हैं। ये हमने 7 टिकिया बनाया है, ये देखिए, और इसी को हम जोड़ना बताएंगे कि क्रोशिया से कैसे जोड़ा जाएगा इसको। और ये हमारा थालपोश बनकर रेडी हो जाएगा। देखिए चलिए अब हम जोड़ना बता रहे हैं इसको। तो हमने केवल 1 टिकिया में ही ये धागा यहाँ कट कर दिया है, देखिए यहाँ कट कर लिए हैं और इन सब में हमने धागा थोड़ा बड़ा करके कट किया है क्योंकि हम क्रोशिया से ही जोड़ेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहले हम यहाँ 3 चैन लेंगे, देखिए, और इस टिकिए को हमें इसके ऊपर ऐसे उल्टा में रखना है ऐसे, और
ऐसे हमें निकालना है। तो ये तीन चैन लिए हैं हम। अब यहाँ जहाँ हमारा जाली ये ख़त्म हो रहा है, यहाँ से जो क्रोशिया हम बनाए हैं तो इसी में से हम ऊपर ऐसे क्रोशिया डालेंगे और इस फंदे को फिर इधर निकाल लेंगे और फिर ऐसे करेंगे। और फिर इसके बाद से हमें ये नीचे वाले में वन डबल क्रोशिया बनाना है, ऐसे ऐसे बना करके। और फिर इस फंदे को हम ऐसे ऊपर की तरफ से दूसरे वाले टिक्की में हम ऐसे डाल के और इस फंदे को ऐसे निकालेंगे। फिर यहाँ जॉइंट हो गया। फिर ऐसे ही हम हर क्रोशिए पर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया और फिर इस फंदे को इस टिक्की में डाल के ऐसे ही हमारा ये टिकिया ज्वाइंट हो जाएगा। नीचे वाले में हमें वन डबल क्रोशिया बनाना है और फिर इस फंदे को हम इस ऊपर वाली टिक्की में से ऐसे क्रोशिया डाल के और ऐसे नीचे से इस फंदे को फंसा के ऊपर निकाल ले रहे हैं और इसे बांध ले रहे हैं। बहुत ही आसान है, आप भी बनाइए। और अच्छा भी लगेगा ये। आपको ये थालपुस का डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें कि आपके पास अच्छे से अच्छे वीडियो पहुंच सके पहले ही। देखिए ये हमारा यहाँ जॉइंट हो गया और ऐसे देखिए एकदम लग ही नहीं रहा है कि यहाँ दो टिक्की हमने जोड़ा है और इसे हम यहाँ पर जोड़ लिए। तो अब यहाँ कट कर लेंगे। देखिए ये हमारा ऐसे ही जॉइंट होगा। अब चलिए दूसरा टिक्की हम जोड़ते हैं। चलिए अब दूसरा टिक्की हम जोड़ते हैं। तो इसको हम जोड़ेंगे तो अब ये हमारा बीच का भाग है। अब इसी के किनारे हमें जोड़ना है। तो पहले हम इसको इन दोनों को टिक्की को जोड़ेंगे, उसके बाद से फिर दो जॉइंट यहाँ रहेगा, फिर यहाँ जोड़ेंगे हम। तो पहले यहाँ से शुरू करते हैं। तो कोई भी टिक्की जोड़ने के लिए हमें इसे पहले ऐसे उल्टे में, एक नीचे में सीधा रहेगा और इसके ऊपर ये उल्टा में रहेगा, और उल्टे में ही रख करके इसमें ये देखिए हमने तीन चैन लिया है। अब इसे ऐसे ऊपर से क्रोशिया इसमें डालेंगे, जहाँ डबल क्रोशिया हमने बनाया है वहीं पर हमें डालना है। और देखिए पास से हम दिखा रहे हैं आपको, और ऐसे निकाल के इसे ऐसे बांध लेना है और फिर यहाँ डबल क्रोशिया बनाना है। नीचे वाले में डबल क्रोशिया बनाना है और ऊपर वाले में हमें फंदा केवल खींच करके इसमें बांधना है। तो ऐसे ही ये हमारा टिकिया ज्वाइंट होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे ज्वाइंट होता है। अगर नहीं समझ में आए तो हमें
कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम बताएंगे दोबारा आपको। ऐसे ऊपर से क्रोशिया में ही ऊपर वाले चैन में हमें ये डाल के बांधना है, और हर क्रोशिया में हमें एक एक क्रोशिया बनाना है। देखिए ये देखिए, ये हमने इधर का पार्ट जोड़ लिया है। अब फिर इसको हम जोड़ेंगे, तो हम यहीं पर से देखिए यहाँ जॉइंट किए हैं, तो यहाँ हम चैन ले करके फिर दूसरे वाले में अब हमें जो भी टिक्की जोड़ेंगे हम दो दो जगह जोड़ना है, दो जॉइंट उसमें होगा। तो यहाँ हम चार चैन ले लिए, अब उसके बाद से हमें अब इसको और इसको जोड़ना है। तो हम पहले यहाँ पर आ जाते हैं, ये ऐसे जोड़ ली एक डबल क्रोशिया बना के। उसके बाद से अब फिर यहाँ से हम ऐसे ऊपर से क्रोशिया डाल के, और फिर जैसे वो जोड़े हैं वैसे ही इसको भी हम जोड़ेंगे और यहाँ बांध लेंगे, और फिर दूसरे वाले डबल क्रोशिया में जाएंगे, यहाँ भी एक डबल क्रोशिया बना के, और फिर जो ऊपर से हमें फंदा डाल के खींच के बांध लेना है इसे। ये हमारा ऊपर से ही ऐसे क्रोशिया फंसा के और इसमें फंदे में निकालना है, ऐसे ज्वाइन करना है। देखिए ये हमारा जॉइंट हो गया। ऐसे ही हमें फिर एक यहाँ जॉइंट रहेगा और एक यहाँ टिक्की का जॉइंट रहेगा, ऐसे ही हम पूरा राउंड जोड़ेंगे और हमारा थाल पोश तैयार होगा। इसके ऊपर आप जितना चाहें उतना टिक्की बना करके और जॉइंट कर करके बड़ा कर सकती हैं। अभी हम इतना ही बड़ा में दिखा रहे हैं, चलिए अब बनाते हैं। देखिए ये हमने पूरा छह टिक्की का राउंड पूरा कर लिया है। यहाँ हम लास्ट अब जॉइंट करने जा रहे हैं, तो इसे हम ऐसे ही जैसे पहले हम नीचे सीधा वाला और ऊपर से उल्टा रख करके जोड़ते हैं, वैसे ही जोड़ेंगे इसको भी। और इससे आप ऊपर और बड़ा बनाना चाहती हैं तो इसके ऊपर फिर 12 टिक्की बनेगा हमारा, और जैसे इसमें जोड़े हैं वैसे ही जोड़ना है। आप जितना चाहें उतना बड़ा बना सकती हैं। चलिए जॉइंट करके दिखाते हैं। देखिए ये हमने यहाँ पर जॉइंट कर लिया है, अब इसे हम कट कर रहे हैं। हमारा थाल पोश रेडी हो गया। इसके ऊपर आप चाहे तो झालर लगाइए, और चाहे तो इससे और बड़ा करना है तो टिकिया बना करके और आप बढ़ा करके बना सकती हैं, इसको और बड़ा कर सकती हैं।
अब हम अपना वीडियो यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। आप लोगों को ये थाल पोस्ट डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छा लगे तो लाइक करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।